खेती की जो बड़ी समस्या है कि जो लागत है कृषि लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको किसी तरह कम कर पाए, और उसके लिए किसान क्लब का एक ज़रूरत है, तो बहुत सारी जो ग्रामीण क्षेत्र की या जो किसानों की जो जो समस्याएं हैं उनका सबका एक तरह से समाधान के रूप में किसान क्लब को देखा है। ऐसा है, जब हमारा किसान क्लब बना, सारे विभागों से, हम जितने विभागों से अभी आपको अवगत कराया उतने विभागों से हम जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग जानकारियां हमें दी, तो हमने मतलब ऐसा है कुछ कदम आगे बढ़ाकर तो उस पर काम करने की कोशिश की, तो उससे हमारी आजीविका बढ़ने के साथ साथ हमारा मतलब उत्साह भी बढ़ा। तो उत्साह बढ़ने के साथ ही अब हम मतलब ऐसा है कि पीछे मुड़ के देखने के उद्देश्य में ही नहीं है, हम अब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। किसान क्लब में जनरली हमारा एक जो नाबार्ड का मैंडेट है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रूरल प्रोस्पेरिटी, उस पर हम लोगों ने काम करते हुए एक किसानों को संगठित करके और ग्राम विकास का खाका वही लोग तैयार करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, मार्केट का एक्सेस हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए किसान क्लब हमारे द्वारा गांव में बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को संगठित करके किसानों 10-20-25 किसानों को पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसमें मुख्य वॉलंटियर हैं या जो अन्य किसान हैं, उसके बाद ये लोग अपने दायरा बढ़ाते हैं और एक गांव में एक किसान क्लब की स्थापना कर रहे हैं। तो इस तरह के करीब करीब 300 गाँव में यहाँ काम किया गया है। जब मैंने इसको लगाया था, ये पौधे लगाए थे, पिताजी एक महीने तक गाली कर रहे थे, ये पेड़ जब लगाए थे। गाली क्यों कर रहे थे? उनका तो खाली वो धान गेहूँ जो बोते थे ना, उनने देखा अच्छा खासा घर के पास का खेत था और सारे ने यहाँ पर ये पेड़ लगा दिए, अब खेत बंजर हो गया, अब बैल कैसे जोतो इसमें, तो वो गाली करने में रहे, खेल ये कर दिया ये कर दिया, खेतों में पेड़ लगा दिया ऐसा। अब बाद में जब ये तैयार हुए, फल आए, एक ही सीजन में इन पेड़ों से मैंने 4000 का अमरूद बेचा। अब 4000 का अमरूद बेचा, पिताजी तब थे, उनने देखा, अब पिताजी कह रहे हैं अरे 10 पेड़ और होते तो साला ये तो 10000 के हो जाने वाले थे। अब मैंने कहा तब तो आप गाली कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10000 के होने वाले थे। तो ये है मतलब। तो किसान के लिए भी हमने ये सोचा कि इसी तरह की प्लानिंग करें कि अगर उसको लड़की की शादी करनी है आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो उसके पास कुछ इस तरह के पेड़ हों कि जो 15 साल 20 साल बाद वो लकड़ी बेचे, अच्छा पैसा उसके पास आ जाए, तो आमदनी किसान के पास इनकम धीरे धीरे आती रहे और उसका जो जोखिम है वो बिखरा हुआ हो, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। नंबर एक बात तो ये थी, हम पर्सनल तौर से अगर कहीं पर भी किसी से, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए हम किसी योजना के लिए जा रहे थे या कोई योजना मांगना चाह रहे थे, तो हमारी सुनी नहीं जाती थी। लेकिन जब हमने किसान क्लब का गठन किया, इस प्रकार से हम इतने लोग जुड़े, आज हम कहीं पर भी आवाज़ उठाते हैं तो कोई भी विभाग हमारी आवाज़ सुनने को तैयार। कमसोदी का किसान क्लब है, हमें कहें कि अगर आज डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट किसान क्लब है कहें तो ये कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि आज जैसे वहाँ पे देखते हैं आज डिस्ट्रिक्ट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर रही है,